बचाई। वेलकम बैक टू जिंटू एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली 3 के बारे में। साउथ के सुपरस्टार कहे जाने वाले प्रभास हर फिल्म के लिए उनके फैंस उत्साही रहते हैं। दर्शकों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रभास ने अपने फैंस को एक इशारा दिया है। दरअसल वह फिर से महेंद्र बाहुबली बनने की तैयारी में है। एक इंटरव्यू में प्रभास ने बताया कि वह बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली ने फिर हाथ मिला सकते हैं। प्रभास ने कहा कि राजमौली ने बाहुबली की फ्रेंचाइजी बंद करने की तैयारी में नहीं है। ऐसे में इस फिल्म का अगला पार्ट जल्द आ रहा है। ऐसे में फैंस फिर से प्रभास को बाहुबली में देखने का उत्सुक हो रहे हैं। बाहुबली के 2 सुपरहिट पार्ट्स के बाद तीसरे एपिसोड की कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक निर्देशक SS राजामौली ने बाहुबली स्टार प्रभास के तीसरे पार्ट पर काम चल रहा है। हालांकि अब बाहुबली के लिए दर्शक को ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभास इस समय अपनी पूरी दूसरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस समय प्रभास अपनी आने वाली फिल्म राधे श्याम के प्रमोशन में व्यस्त हैं। प्रभास ने फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में प्रभास के अलावा पूजा हेगड़े लीड रोल में हैं। इस फिल्म के निर्देशक राधा कृष्ण कुमार हैं। फिल्म में उन्हें 70 के हिसाब से सेट किया गया है। इसका ट्रेलर भी काफ़ी ग्रैंड है। प्रभास की ये फिल्म बड़े बजट की है। एक इंटरव्यू के दौरान राधे श्याम के निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने प्रभास की तारीफ जमकर की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभास जैसे एक्टर फिल्म को लेकर कभी खुशी मिलती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी पॉपुलरिटी और फैंस देखते हुए दर्शकों को काफ़ी अच्छी कहानी में रूबरू कराया जाए। राधे श्याम के निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने प्रभास की तारीफ जमकर की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रभास जैसे एक्टर फिल्म को लेकर कभी खुशी मिलती है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी पॉपुलरिटी और फैंस देखते हुए दर्शकों को काफ़ी अच्छी कहानी में रूबरू कराया जाए।